तो अभी पतिदेव ऊपर रूम में बैठे हैं और मैं मम्मी और पापा यहाँ नीचे ड्राइंग रूम में डेकोरेशंस करने वाले हैं। कोई सोवत है, कोई जागत है, आप सबका स्वैग से स्वागत है। वेलकम टू द न्यू व्लॉग। कल मम्मी का बर्थडे था और मम्मी के बर्थडे पर हमने उनको पूरे दिन विश नहीं किया था, हमने उनको शाम को विश किया, शाम को सरप्राइज़ किया। वैसे तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था और पति देव को भी बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मम्मी को लग रहा होगा कि अभी नई नई बहू आई है और आते ही मेरा बर्थडे भूल गई। लेकिन शाम को जो हमने उनको सरप्राइज़ दिया उसने हमारी लाज बचा ली, तो मम्मी बहुत बहुत ज़्यादा खुश हो गई। अगर आपने वो व्लॉग अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए और वो व्लॉग जल्दी से देखिए, आपको बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और कल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गुलशन पापा बहुत टाइम से ये टूटे फूटे ईयरफोन्स यूज़ कर रहे हैं, तो मैं और पतिदेव उनको सरप्राइज़ देने के लिए एयरपॉड्स प्रो लेके आए हैं। आज हम उनको वो एयरपॉड्स प्रो देंगे और देखते हैं उनका रिएक्शन क्या होता है। छोटा सा सरप्राइज आपके लिए, गिफ्ट हम दोनों की तरफ से। वाह, गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बंटी, ये तो चाहिए थे मैंने। लगा के देखो ना, ऐसे मतलब पता कैसे लगेगा कि आवाज कैसे आएगी। अब आप अपने पुराने गाने बड़े प्रेम से सुन सकते हैं। बहुत अच्छा है बढ़िया, तो क्लियर म्यूजिक, क्लियर बीट्स वगैरह सब आ रहे हैं। थैंक यू। ओके, बढ़िया लगा, मजा आया, बहुत बढ़िया बढ़िया, सही लगा। एक एक बीट क्लियर है इसका गाने का, इसका एक एक बीट क्लियर है, सही मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थैंक यू। कहा लिखा है 24,000? 25,000 का लाया ये, पागल हो गया को पैसा बर्बाद, इतना महंगा लेने की क्या जरूरत है। आपको पसंद है ना? हाँ पसंद है, बढ़िया है ना गाने, आवाज अच्छी आ रही है। अच्छी है, अच्छी है, बट ठीक है, एंजॉय करो आप। मम्मी कला को बहुत ज्यादा परेशान किया था हम लोगों ने, तो उसके लिए देखा आपको फेवरेट, आपका फेवरेट तो है ना पिंक, तो पिंक कलर का आपके लिए सूट मंगाया मैंने। एक दिन आपको लेट मिल रहा है लेकिन अब वो डिलीवरी थोड़ी लेट हो गई, वरना आपको कैसा लगा अभी? और इसके साथ मास्क भी है मैचिंग, एक लेट होने का वो है, थोड़ा इंटरेस्ट रहता है। सही पड़े हैं। ये बहुत सुंदर है, ब्यूटीफुल। आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा है, मन पसंद मेरा, कॉटन का और हल्का फुल्का, मुझे बहुत पसंद आते हैं इस तरह के, ब्यूटीफुल है। थैंक यू। वेलकम। थैंक यू मेरी बहुरानी। थैंक यू मेरी बहुरानी। वेलकम मम्मी। आप पहले वो बताओ कि कल जब आपके साथ ऐसे प्रैंक हुआ था तो आपकी फीलिंग क्या थी पूरे दिन, वो बताओ। मेरे को अंदर अंदर गुस्सा तो आता है, अभी बताओ, इतने सालों से बच्चा पैदा किया, पति से वो मजा ले के कोई विश भी कर दे, इतने टाइम हो गया, ऐसा कभी हुआ नहीं था। पता नहीं अब इस बार बहू रानी के आने के चक्कर में, पता नहीं बेटा भी वो बदल गया, ससुर जी भी बदल गए, मुझे ऐसा लगा ससुर जी बदल गए बहू रानी के चक्कर में और मैं भी बदल गया। मास्टरमाइंड से मैं नहीं थी, देखो इसमें कौन था मास्टरमाइंड, असली बता दे असलियत। मास्टरमाइंड पापा, पापा दे, पापा ने प्लान किया था सारा, वही तभी तो कह रही हूँ, बहू रानी के आने के बाद पता नहीं इस बार मुझे भूल गए सारे। मैं तो यही सोचा कि शायद नई बहू आई है, मुझे भूल गए, चलो कोई बात नहीं, उसके टाइम है, मेरा टाइम नहीं है। पर मुझे जब रात को बच्चों ने सरप्राइज दिया तो मुझे अच्छा लगा कि नहीं लगा कि हाँ बच्चे अभी भी मुझे प्यार करते हैं। मेरी प्यारी बहू रानी, आपके बच्चे आपको हमेशा प्यार करेंगे, बहुत धन्यवाद धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमने मम्मी पापा को गिफ्ट दिए जिसको देख के वो बहुत ज्यादा खुश हो गए। कल हमने मम्मी के साथ प्रैंक किया था तो ये उसको कॉम्पनसेशन था, मम्मी को गिफ्ट बहुत अच्छा लगा। पापा थोड़ा एयरपॉड्स का प्राइस देख के गुस्सा हो गए थे, कितने महंगे क्यों मंगाए, लेकिन कोई बात नहीं, पेरेंट्स के लिए ये चीज़ तो बहुत छोटी है, पेरेंट्स को हम जितना मर्जी दें वो उतना कम है, उन्होंने हमारे लिए इतना सब कुछ किया होता है लाइफ में, तो जितना हम उनके लिए करें वो उतना कम होता है। मैं थोड़े दिनों से आज सुबह से ही सोच रही थी कि मेरे पास ऑल ओवर वाला सूट नहीं है, सारे व्हाइट पैंट्स बनवा रखे हैं और वो अलग अलग कलर के शर्ट्स बनवा रखे हैं, आज मैं पहन रही थी, मैं कहा क्या है मैंने कुछ ऑल ओवर बनवाया नहीं रखा, तो मैं कहा चल कोई बात नहीं, अब अभी मैं बनवाऊंगी तो ऑल ओवर बनाऊंगी। आज मीनाक्षी ने ये देखे मेरा दिल पूरा कर दिया, जैसे कहते ना भगवान से जो चाहो दिल से वो चीज मिल जाती है, और आज मीनाक्षी ने मेरी बात पूरी करी, मेरे को गिफ्ट किया और ऑल ओवर सूट मुझे बड़ा सुंदर लगा। थैंक यू। मास्क जरूरी है तो मास्क भी साथ में मिला है, मास्क लगाए रखिए, सैनिटाइज करिए हाथ और सोशल डिस्टेंस रखिए।
कल अंजू मम्मी का बर्थडे था और आने वाला जो कल है वो पति देव का बर्थडे है, तो मैं पति देव के बर्थडे के लिए कुछ डेकोरेशन का सामान लेने आई थी और मैंने सोचा है कि मैं रोज पेटल्स भी लूंगी, बट मुझे यहाँ पे रोज पेटल्स कहीं दिख नहीं रही हैं, तो अभी मैं एक और मार्केट मेरे घर के पास है, मैं वहां पे भी जाके देखूंगी, बट अभी मैं मुझे जो डेकोरेशन का सामान मिलता है वो मैं अभी पति देव के लिए लेने जाती हूँ, तो आप भी चलिए मेरे साथ। हाँ, वो वाली बड़ी वाली टोपी दे दो। तो फाइनली ये वाली हमने टोपी ले लिया है बर्थडे बॉय के लिए। भाई एक तो पिंक कलर के बलून दे दो, ग्रीन कलर के भी दे दो। ये बहुत तरह की सेल्फी स्टिक्स हैं, अब इसमें से मुझे चूज करनी है कि पति देव के लिए कौन सी लेनी है। भैया ये वाला केक टॉपर दे दो। सो फाइनली मैं कुछ कुछ सामान ले चुकी हूँ पति देव के बर्थडे की डेकोरेशन के लिए। अब मुझे रोज पेटल्स देखने जाना है, रोज पेटल्स मुझे जरूर चाहिए कि मुझे कहीं ना कहीं से मिल जाए, बट पॉसिबिलिटी कम लग रही है क्योंकि लॉकडाउन है और ज्यादातर शॉप्स बंद है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि मुझे मिल जाए। अनफॉर्चुनेटली मुझे रोज पेटल्स कहीं पे भी नहीं मिली, मेरा बहुत मन था रोज पेटल्स देने का उनको। कोई बात नहीं, कल फिर से ट्राई करेंगे, कल मैं अलग अलग और मार्केट जाऊंगी ताकि मुझे रोज पेटल्स मिल जाएं। तो अभी पतिदेव ऊपर रूम में बैठे हैं और मैं मम्मी और पापा यहाँ नीचे ड्राइंग रूम में डेकोरेशंस करने वाले हैं। मैं उनके लिए बलून्स लाई हूँ और उनके लिए एक ना स्पेशल टोपी लाई हूँ हैप्पी बर्थडे बॉय वाली जो वो पहनेंगे, उनको भी कुछ नहीं पता है। और मैंने आज उनके लिए स्पेशली आइसक्रीम केक मंगवाया है, नॉर्मल केक नहीं, नॉर्मल केक तो हर कोई मंगाता है, मैंने उनके लिए आइसक्रीम केक मंगवाया क्योंकि वो उनको बहुत ज्यादा पसंद है। वो तो मैंने खैर रख दिया उठा के, बट अभी मैं डेकोरेशन स्टार्ट करने वाली हूँ और जब रात के 12 बजेंगे तब पतिदेव देखेंगे कि ड्राइंग रूम कितना अच्छे से सजा हुआ है, तो वो बिल्कुल खुश हो जाएंगे। पतिदेव के बर्थडे की डेकोरेशन स्टार्ट हो चुकी है, अभी बलून्स फुलाए जा रहे हैं और अभी हम टेबल को भी बहुत अच्छे से डेकोरेट करेंगे और आइसक्रीम केक तो उनके लिए मंगा लिया है, बस उनको सब पसंद आ जाए। तैयारियां जोर, क्या क्या बोलते हैं हमें, तैयारियां जोरों खरोशों के साथ, जोरों खरोशों के साथ, जोरों खरोशों के साथ जारी है। तो ये सारी प्रिपरेशंस कर लिए हैं हमने मिलके और ये पतिदेव की पिक्चर्स लगाई हैं और ये तो सारे बलून्स भी फुला लिए हैं, मतलब वैसे तो मशीन से फुलाए हैं, दो चार बलून्स अपने मुंह से भी फुलाए हैं क्योंकि कोविड चल रहा है ना, तो उसमें एक्सरसाइज करनी चाहिए लंग्स की। तो अब देखते हैं, पता नहीं पतिदेव को ये प्रिपरेशन पसंद आएगी कि नहीं, मेहनत हमने बहुत की है तो जरूर आएगी। तो फाइनली मैंने ये आइसक्रीम केक मंगवाया पति देव के लिए और इसके जो आसपास है वो ड्राई आइस है जिससे कि जो केक है वो पिघले ना, क्योंकि आइसक्रीम केक है और इसमें मिक्स फ्लेवर्स की आइसक्रीम्स हैं, प्लस इसमें ऊपर जेली भी डली है जो कि पति देव को बहुत ज्यादा पसंद है। तो अब बस पति देव आएंगे और उनको आइसक्रीम केक उनको खिलाया भी जाएगा और उनके ऊपर लगाया भी जाएगा। पापा, आज पति देव के बर्थडे पे एक नया मेंबर है फैमिली में, आपकी बहू, प्यारी बहू। तो आपको कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है बेटा, आज हमारी फैमिली कम्प्लीट हो गई है, मैं, हमारी मम्मी बंटी और आप, हमारी फैमिली बन गई है अच्छे से और आप आए, हमें बहुत खुशी है। आज बंटी का बर्थडे है और हम खूब सेलिब्रेट करेंगे, इसको अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। आपने बहुत अच्छा ये जो बनाया है, बहुत मेहनत करी है और बहुत टाइम लगाया है बनाने में, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू पापा। मम्मी, आपको डेकोरेशन कैसी लगी जो की है मैंने? बहुत अच्छी बेटा, बहुत मेहनत करी है, बहुत सुंदर है। वैसे हर साल हम मेहनत करते थे, अब अपने आए हो आप कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी बनाई है। अच्छी लगी, थैंक यू। डिजर्व तो करता नहीं है, गजब बेइज्जती है, डिजर्व तो करता नहीं है, फिर भी तुमने बहुत अच्छी मेहनत करी है। आओ पति देव, आओ। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to dear पति देव, happy birthday to you। सरप्राइज अभी देख रहा हूँ, अभी देखा नहीं है, अभी देख रहा हूँ, अभी देखूंगा, तो फोन रखेगी तो देखूंगा ना। अबे फोटोज कहाँ से लाई है? बस मैंने छांटी कहीं ना कहीं से। कहाँ से छांटी है? इतनी पुरानी फोटो। वैसे मेरे 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 और इसमें ज्यादा फर्क नहीं है ना? नहीं। सच्ची बताऊं यार, देखो यार, मेरा बर्थडे है आज, तो मेरे को खुश कर दो, बोलो ज्यादा फर्क नहीं, मैं ऐसे ही दिखता हूँ। ओहो, चलो ऐसा तो दिखता ही हूँ, ऐसा नहीं तो ऐसा तो दिखता ही हूँ। और ये वाली फोटो तो चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सी 10-15 दिन पुरानी हो गई है। और ये इतने सारे रिबन्स, ये वही वाले रिबन्स है कल वाले? नहीं, नए खरीद के लाई है? नए लाई हूँ मैं। कल वाले नहीं है? नहीं, कल वाले। और जो कल वाले जो मम्मी के लिए हमने इतने महंगे हैप्पी बर्थडे वाले जो बलून गोल्डन कलर के लिए थे, वो कहाँ हैं? वो छत पे हैं। पैसे की बर्बादी, इससे करवाओ। ये नहीं कि वो यूज कर ले। अबे ये क्या है?
बच्चा थोड़ी हूँ मैं। अरे पूरा बर्थडे बॉय बनो ना। मैं बच्चा मेरे बाल खराब कर दिए। बर्थडे बॉय बर्थडे बॉय। अच्छा ओके। Happy birthday to you. Happy birthday to you. ठंडा लग रहा है। ठंडा तेल लगाओ। नहीं 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 बहुत तेज हो रहा है। बहुत तेज हो रहा है तू। ये बर्थडे किसी बर्थडे के दिन मिलती है। थैंक यू। वैसे तो बेटा लॉकडाउन है। हम कोई ला नहीं पाए। गए थे बाजार, मार्केट बंद थी। ये कुछ गिफ्ट है। अरे मेरे को नहीं चाहिए। अपने आप ले आइए जाके। मनी मनो बहुत खुश हो रहे हैं, इनको पैसे मिल रहे हैं तो ऐसे कैमरे के लिए। कैमरे के लिए बोल रहे हैं मेरे को नहीं चाहिए। पैसा बहुत है। अपनी पूरी आश है, चेमर का कैश है। पैसे की टेंशन नहीं है। आशीर्वाद, ये हमारा आशीर्वाद है। प्यार चाहिए, प्यार भाई को। प्यार चाहिए, ये हमारा आशीर्वाद है। प्यार चाहिए और लाइक ठोको, लाइक ठोको, लाइक लो बेटा। अरे नहीं, अरे हमारा आशीर्वाद, मना नहीं कर। थैंक यू। बेटा को बात पे डांट पड़ती है, मना कर रहे हैं। नहीं। तो बाय द वे, मेरे बर्थडे पे जब ये मुझे ऊपर बुलाने आई थी मुझे नीचे ले जाने के लिए, तो इसके साथ एक छोटा सा प्रैंक हो गया। वो प्रैंक वीडियो मैं जल्दी अपलोड करने वाला हूँ, वेट कीजिएगा उस प्रैंक वीडियो के लिए। हैप्पी बर्थडे पतिदेव। थैंक यू। ये मेरे को मिला है। अब इसमें कितने रुपए पैसे है ये नहीं बताऊंगा। लास्ट टाइम भी नहीं बताए थे मैंने, अभी भी नहीं बताऊंगा। ये तो आशीर्वाद है। हाँ, इतनी ज्यादा मेहनत की है मम्मी ने, पापा ने और मीनाक्षी ने, और चीकू ने भी मेहनत की होगी, मुझे नहीं पता। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया हो, और ये मेरे लिए बहुत अच्छा सरप्राइज था। ये सारी चीजें मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी सारी सजावट करेंगे। मुझे एक्सपेक्टेड था भाई केक आएगा और मैं केक काटूंगा, बट इतनी सारी सजावट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे बर्थडे पे आप लोग क्या गिफ्ट देंगे, आप कुछ गिफ्ट मत दीजिए। आप बस मुस्कुराते रहिए, स्माइल करते रहिए हमेशा। आप लोग मेरे लिए इससे बड़ा गिफ्ट और कुछ नहीं हो सकता। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए इसी तरीके से। और जैसा कि आपको पता है, खत्म करने से पहले एक बार मुस्कुरा दीजिए। जल्दी मिलते हैं।